मुजफ्फरनगर जनपद में शुक्रवार को आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर जिला कलेक्ट्रेट पर ओबीसी आरक्षण बहाली को लेकर प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को सौंपा। दरअसल आपको बता दें कि आज आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर ओबीसी आरक्षण बहाल करो की मांग को लेकर सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला कलेक्ट्रेट पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया था। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपते हुए ओबीसी आरक्षण बहाल करने की मांग की। जानकारी के मुताबिक आज उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के मुख्यालयों पर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए ओबीसी आरक्षण बहाल करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सभी जिलों में जिला प्रशासन को दिया। आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष जगदीश पाल ने बताया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में 75 जिलों के अंदर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रदर्शन कर सभी जनपदों के जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया गया है। ऐसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में 75 जिलों के अंदर ओबीसी के निकाय चुनाव में जो आरक्षण को लेकर घोटाला हुआ है, इस मुद्दे पर हमारी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी पूरे प्रदेश में 75 जिलों में डीएम के यहाँ ज्ञापन दे रही है। जो बीजेपी सरकार है उन्होंने अपना एक आयोग बनाया, खुद कोर्ट में जाने की मांग बात कर रहे हैं, आप लोगों को विरोध क्यों करना पड़ रहा है? बीजेपी सरकार में सबको दिख रहा है वो सिर्फ दिखावा करते हैं, ग्राउंड पर काम नहीं करते। ग्राउंड पर काम करते तो किसी कोर्ट में जाने का जो गया है इनका कोर्ट में ये सिर्फ खाली दिखावे की राजनीति करते हैं। अगर आगे भी ऐसा ही हुआ जो ओबीसी है बहाल ना हुआ आरक्षण, फिर किस तरह से आप लोग विरोध करेंगे? ओबीसी के लोगों को मैं समाज से आता हूँ, हम अपने समाज में जाकर लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं कि देखो बीजेपी सरकार आप लोगों का हक छीन रही है, आप इसको सोचने की जरूरत है। तो अभी समाज को जाके हम जगाने का काम कर रहे हैं, तो आगे की जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी हमें आदेश देंगे उसी आदेश के पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया जाएगा। पूरे प्रदेश में 75 जिलों में आया समाज पार्टी बीमार में इसी किसे दे रहे हैं, किसके नाम ज्ञापन दे रहे हैं आप? अपने आसपास की खबरों को अपने मोबाइल पर सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन।